नमस्कार सुपर क्रेडिट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल क्रेडिट। जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो के प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज के वीडियो में हम कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे। जो लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी रिवाइजेशन क्लासेस लेकर के आया है और ये क्लासेस आपको मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि 15 दिन चलने वाली है और क्लासेस कंटिन्यू वे में चल रही है। और इस क्लास में जो अनअकैडमी के टॉप के फैकल्टीज मेंटोर टॉपर वो सब लोग मिलकर के अपना सजेशन देंगे आपको कि किस तरह से प्रिपरेशन की जाए, किस तरह से स्ट्रेटजी बनाई जाए और किस तरह से प्लानिंग की जाए। जो क्लासेस हैं ऑलरेडी आपके लिए, जो 8th डे की क्लास है वो आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि किस तरह से ये क्लासेस का टाइम शेड्यूल क्या है, अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर है वो किस तरह से इन्वॉल्व है इसमें, और आप टाइम देख करके उसके अकॉर्डिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड की, तो आप जाकर के लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो और इस रिवाइजेशन क्लासेस का फायदा उठा सकते हो। एक चीज और मैं बता दूं कि एनटीए यूजीसी नेट 2021 के लिए अनअकैडमी ने एक स्पेशल बैच स्टार्ट कर दिया है और आप लोगों को करना कुछ नहीं है कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग जाकर के इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभी 10% का डिस्काउंट चल रहा है और आपको जो कोड यूज करना है एनटीए नेट यूज करना है, अदरवाइज ये कोर्स बहुत जल्दी महंगा होने वाला, हाइक इसमें ज्यादा होने वाली है, तो देरी ना करते हुए इनरोल कर लें। डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है और जाकर उसको परचेज कर लें। आज की वीडियो में हम कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि ग्रेजुएशन और मास्टर के बाद प्राइवेट बैंकों में जॉब कैसे पाएं। देखो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि इंडिया के जो बेस्ट प्राइवेट बैंक है उसमें नाम आता है एचडीएफसी का, आईसीआईसीआई का, कोटक महिंद्रा बैंक का, एक्सिस बैंक का, ये सारे बेस्ट बैंकों प्राइवेट बैंक में आते हैं। तो इन बैंकों में जॉब करने के लिए अगर आपने जो ग्रेजुएशन है किया हुआ या फिर मास्टरी किया हुआ है तो क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए कि इन बैंकों में आपको जॉब मिल सकती है। सबसे पहले अगर हम बात करें बैंक में जॉब करने के लिए तो आपको प्रोफेशनल बहुत ज्यादा लेवल पे आना पड़ेगा और इसके लिए आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उस पर आपको काम करने की जरूरत है। अगर आप ग्रेजुएट हो आपकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं सही है ना तो आपको बैंक में जॉब, प्राइवेट बैंकों में जॉब नहीं मिल सकती है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ग्रेजुएशन कर लो। प्लीज ग्रेजुएशन करिए लेकिन उसको एक वे में करिए जिस तरह ग्रेजुएशन किया जाता है। ये नहीं कि बस टाइम पास के लिए आपने ग्रेजुएशन कर लिया कि ठीक है मैंने ग्रेजुएशन कर लिया। अगर आपने सही डायरेक्शन में ग्रेजुएशन और मास्टरी कर ली ना तो इन प्राइवेट बैंकों में आपके लिए जॉब की भरमार है। एक तो अगर आप कह लो आईबीपीएस के थ्रू भी ये बैंक हायर करते हैं, आईबीपीएस के थ्रू जो बैंकिंग एग्जाम होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए उसके थ्रू भी ये लोग लेते हैं, और उसके अलावा ये अपना खुद का एग्जाम भी कराते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू भी कराते हैं, चाहे वो बैंक मैनेजर की पोस्ट हो, चाहे उसमें वेब डेवलपर की हो, चाहे ब्रांच मैनेजर की हो, चाहे सेल्स कोऑर्डिनेटर की हो, चाहे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर की हो, बहुत सारी जॉब इन प्राइवेट बैंकों में होता है जिसको आप कर सकते हो इजिली। आपको करना कुछ नहीं है, बहुत सारी बैंक की साइटें हैं जिसमें एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, कोटक महिंद्रा बैंक है, कुछ बैंकों का मैं दे रहा हूं नाम भी डिस्क्रिप्शन में, जहां पे जाके आप देख सकते हो कि करंट ओपनिंग्स क्या क्या है। डिफरेंट प्रोफाइल के लिए यहाँ पे ओपनिंग होती है जिसमें ग्रेजुएट और मास्टर जैसे बंदों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो भी टॉप लेवल के एजुकेटेड बंदे होते हैं। और जब आपका एजुकेशन ही सब कुछ होता है और आप सही ढंग से अगर एजुकेट हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीजें सही हैं तो इन प्राइवेट बैंकों ने आपके लिए दरवाजे हमेशा के लिए खोले हुए हैं और आप आ सकते हो जॉब लेने के लिए। इन प्राइवेट बैंकों में जॉब की भरमार है मैं बता दूं, अगर आपके अंदर टैलेंट हुनर है। अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, कम्युनिकेशन स्किल वैसे चलो ठीक है बस ऐसे ही है, तो उस पे उनकी गलती नहीं मैं मानूंगा, इसमें आपकी गलती है, आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। और प्राइवेट बैंकों में जॉब के लिए बहुत अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। जब सैलरी की हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग की सैलरी 20,000 से 25,000 की सैलरी मिल जाती है, थोड़ा और एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको तो 50,000 से 60,000 भी सैलरी मिल जाएगी। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा इन बैंकों में आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी और करियर ग्रोथ भी अच्छा खासा होता है अगर इन बैंकों में आपने जॉब कर लिया। इंडिया के जो टॉप बैंक है, आप बाहर के भी बैंकों में जॉब करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहां पे आपकी पैकेज जो है वो करोड़ों में भी जा सकती है। तो ये एक फैक्ट मैंने आप लोगों को बताया है और उसका आई थिंक आप लोगों को यूटिलाइजेशन करना चाहिए प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में जाने के बाद। और अगर आप अभी भी डर रहे हो कि नहीं प्राइवेट बैंक में हमारे लिए जॉब नहीं है तो ये बिल्कुल गलत है। प्राइवेट बैंक में आप सबके लिए दरवाजे खोले हुए हैं, बस आपको नॉक नॉक करना है और बस एंट्री मारनी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।